एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं सीबीटी 2 के जो एग्ज़ाम हुए थे, सीबीटी 2 के एग्ज़ाम उसके क्वेश्चन पेपर जो कि 11 शिफ्ट में हुए थे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहां सारा का सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, बाकी से अलग आकृति चुनें। चार आकृति दिए हैं, इसमें से कुछ अलग चुनना है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो इसमें अलग क्या हो सकता है वो बताना है आपको। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चारों फिगर एक साथ आ जाए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले में दो वर्ग है, वर्ग कितना है दो, दूसरे में भी दो वर्ग हैं, तीसरे में भी दो वर्ग हैं, लेकिन चौथा में कितना है, तीन वर्ग है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ऑप्शन नंबर चार डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। अगला क्वेश्चन, प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को क्या कहते हैं, तो उसको स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म, SPM स्पैम कहते हैं, ठीक है। URL की बात करें तो ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ठीक है। इसका अगर डिफाइन की बात किया, खोज कब किया गया था, तो 1994 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, टीम बर्ली के द्वारा किया गया था, ठीक है। वायरस के बारे में जानिए, रे वैसा पदार्थ जो कि ना चाहते हुए भी आपके सिस्टम में आ जाता है और आपके जो फाइल है उसे कुछ भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है, या अपने ऑटोमेटिक खुल रहा है अभी, बंद नहीं हो रहा है, तो ये सब वायरस के कारण होता है। जैसे वॉर्म हो गया, टॉर्जन हो गया, हॉर्स हो गया, इमाइवेल हो गया, ये सब क्या है, वायरस के प्रकार हैं, जिसे मालवेयर कहते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर में आ जाने से होता है। आगे का क्वेश्चन, ऊष्मा हस्तांतरण के प्रणालियों में चालन और संवहन द्वारा अलग किए गए निकाय के बीच संचालित होता है, तो ऊष्मा और क्या कह रहा है, ऊष्मा हस्तांतरण और चालन, तो ये निर्वात के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, निर्वात के माध्यम से होता है। एल्युमिनियम में तो हो जाएगा, पानी में भी हो जाएगा, बर्फ में भी हो जाएगा, लेकिन अलग जब करना होगा तो किसके माध्यम से करेंगे, निर्वात के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, नल ए 10 घंटा में खाली स्विमिंग पूल को भर सकता है और कह रहा है कि नल बी 15 घंटा में भर सकता है, तो दोनों नल को एक साथ खोलने पर पूल कितने दिनों पे भरेगा, तो क्या कह रहा है कि ए कितने देर में भर रहा है, 10 घंटा में, बी कितने देर में भर रहा है, 15 घंटा में, तो कुछ करना नहीं, इसी का लघुत्तम ले लेना है। 10-15 का लघुत्तम कितना हो गया, 30, तो कितने बार में जाएगा, तीन बार में, कितने बार में जाएगा, दो बार में, तो ये दक्षता निकल के आ गया। ये एक कैपेसिटी 3 है, एक घंटा में ये 2 है, यही दोनों मिल के अब कर रहा है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 5, तो 30 लीटर पानी भरने में कितना लगेगा, 1 मिनट में 5 भरता है तो 30 लीटर भरने में कितना लगेगा, इसको कटा देंगे, 6 घंटा, कितना लगेगा, 6 घंटा। बहुत ही आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन, दो नल क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक खाली टंकी को भर सकते हैं, हालांकि एक रिसाव के साथ के वजह से 30 मिनट में यह टंकी भर सकता है, तो पूरी टंकी को खाली होने में रिसाव के माध्यम से कितना समय लगेगा। ये भी सवाल आसान है, देख लेंगे। कह रहा था कि एक किसी टंकी को 8 घंटा में खाली कर सकता है, भर सकता है, बी 20 मिनट में, लेकिन सी एक रिसाव है, इसीलिए इसके आगे क्या दे देंगे, माइनस, तो ये टंकी को खाली करता है। तो पूछ रहा है कि टैंक, भरी हुई टंकी कितने देर में खाली होगा, तो यहाँ से तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, तीनों का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120।
ये कितने टाइम में जाएगा, तो ये जाएगा 15 टाइम में। अगर इसका बात करें तो ये 6, इसका बात करें तो 4। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों भरने का काम कर रहा है और ये खाली करने का काम कर रहा है। तो कितना हो गया, 15 6 21, 21 भरता है लेकिन 4 इसमें खाली हो जाता है। तो एक घंटा में कितना बचा, 17। तो क्या हो जाएगा, 120/17 घंटा लगेगा खाली करने में। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है 120/19 नहीं होगा, दूसरा है 120/17, ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में कौन से विषम शब्द का पता लगाइए। चार शब्द दिए गए हैं, इसमें कौन सा विषम है, फूल है, जड़ी बूटी है, वृक्ष है, विक्षुप है। तो इसमें जो है जड़ी बूटी हो, वृक्ष हो, ये सब पेड़ का ही हिस्सा है, क्या है, हिस्सा है। और ये फूल जो है ये बाद में आके लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट फूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करें। उच्चतम प्रतिरोधकता जिसका कि हाई यानी कि टर्म ये हो प्रतिरोधक, उसका बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा। अगर न्यूनतम पूछता तो क्या हो जाता, सिल्वर यानी कि चांदी हो जाता। अगर बात करें पारा की प्रतिरोधकता कितना होता है, अगर कुछ इस तरह का दिया जाए जो आपको पता नहीं है, जैसे पारा दिया जाए और शीशा दिया जाए, पूछेगा कि ये दोनों में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, तो फिर आपके लिए डिफरेंट करना दिक्कत हो जाएगा। तो इसके सबका कैपेसिटी होता है वो लिख देते हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग। तो देख लेते हैं, पहला नंबर पे है पारा। पारा की बात करें तो पारा का होता है 98 × 10⁸ ओम मीटर। इसकी प्रतिरोधकता कितना होता है, 98 × 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, अगर चांदी की बात करें, तो इसका होता है 1.59 होता है, 1.59 × 10⁸ ओम मीटर, ठीक है, ये पारा का हो गया। अगर तांबा की बात करें, तो तांबा का होता है 1.68 × 10⁸ ओम मीटर, पारा हो गया। उसके बाद अगर एल्युमिनियम की बात करें, तो इसका होता है 2.65 × 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, इसका होता है। अगर लोहा की बात करें, लोहा का होता है 9.71 × 10⁸ ओम मीटर। उसके बाद अगर टंगस्टन की बात करें, जिसको W से डोनेट करते हैं, टंगस्टन की बात करें तो 5.6 × 10⁸ मीटर, 8 ओम मीटर होता है। अगर शीशा की बात करें तो शीशा का होता है, 22 × 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिसे याद रखना है। अब बताइए, अब बता सकते हैं आसानी से कि पारा, और शीशा में किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है। पारा का कितना था, 98, शीशा का कितना था, तो 22। तो पारा यहाँ पे ज़्यादा प्रतिरोधकता वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद कर रखना है। अगला क्वेश्चन, एक टैक्सी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। क्या कर रहा है, एक टैक्सी 5 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ है, दक्षिण की तरफ हो जाएगा, नीचे कितना कर रहा है कि 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर क्या कर रहा है कि पूर्व की ओर मुड़ता है, तो पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर, ये अब यहाँ है तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, उत्तर की ओर चलता है और 7 मीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब क्या कहें, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पहुँचने के बाईं ओर, तो इधर की ओर हो जाएगा, कहता है कि 2 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में वह टैक्सी
का स्थान कौन सा है। अब इसके तुलना में पूछ रहा है कि अब जो यहाँ पहुँचा थे किधर है, तो इसके तुलना में ये किधर है, पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर 5 किलोमीटर टोटल चला था, लेकिन 2 किलोमीटर ये रिटर्न आ गया था। ये दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो अपने से क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर है। किधर है, पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। शुद्ध पानी के तुलना में क्या होता है, कम होता है। शुद्ध पानी का घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लवण युक्त पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, ये याद रखने का चीज़ है। अगला क्वेश्चन, 5% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। अगर जो लड़का होशियार होगा, जो परसेंटेज पढ़ा होगा, कुछ नहीं करेगा, इसको सीधे 4 से डिवाइड कर देगा, जो आएगा वही आंसर। क्योंकि 5% के दर से 5 वर्ष के लिए, तो परसेंटेज कितना हो गया, 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो इसको सीधे 4 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, हासिल बच्चा 2 = 25 हो गया, 25 × 6 = 24, बच्चा 1, फिर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, फिर बच्चा कितना, 2 × 4 = 20, यानी कि 362.5 हो जाएगा। इतना रुपए से ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। अदरवाइज फार्मूला से जानते ही हैं कि SI बराबर क्या होगा, तो SI बराबर P × R × T/100, सबका वैल्यू रख देंगे। पी का कितना है, 1450 × R, आर कितना है, आर 5%, टी कितना है, 5/5 कितना हो जाएगा, 100 कटा दो कितने बार में, 20 बार में, फिर कटा दो कितने बार में, 4 बार में, फाइनली वही आया 1450/4। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष के हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। तो उस समय कौन थे, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह की बात करें तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जिताया, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जिताया, जो कि भारतीय टीम 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। अगर अभी की बात करें तो अभी भारतीय टीम के कप्तान कौन है, तो वो हैं हरमनप्रीत सिंह। ये भारतीय टीम 2024 के पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगर बात किया जाए हरमनप्रीत सिंह के, तो ये भारत के हॉकी टीम के 22वें कप्तान है, जो कि ओलंपिक में अपने टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी हॉकी के लिए, भारतीय टीम के लिए अच्छा खबर हो, क्योंकि कल ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हॉकी में 52 साल बाद हरा दिया है। 52 साल के बाद ओलंपिक ने भारतीय टीम ने किसको हराया, ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को हराया। तो उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय टीम हॉकी में कोई पदक लेके जरूर भारत आएंगे। अगला क्वेश्चन, 2 समान त्रिकोण XYZ और LMN के क्षेत्र में 49 सेंटीमीटर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिए हैं। यदि LM की लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो XY की लंबाई क्या है, ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं फार्मूला, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, XY का स्क्वायर, ओहो, त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल और त्रिभुज XL
एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर बटे एल एन, ठीक है, जो पूछा है एल एम। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, एक त्रिभुज एक्स वाई का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। एल एम एन का कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। इधर क्या है, एक्स वाई का निकालना है, एक्स वाई का क्या करना है, निकालना है, तो एक्स वाई का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और एल एम का दिया हुआ है, एल एम का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 49 × 9, ठीक है, अंडर रूट उठ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा, कितना हो गया 7, और ये कितना हो जाएगा 3, तो क्या हो गया 7 × 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, जब 1 kg पानी को 4 °C से 0°C तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, क्या कर रहा है कि 1 kg 4 से 0, तो आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि 4 °C पे आयतन जो है मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम, और 4 °C पर घनत्व मैक्सिमम होता है, क्या होता है, घनत्व मैक्सिमम, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी से अलग आकृति चुनें, इसमें से अलग आकृति आपको चुनना है, ठीक है, तो इसमें किस तरह चुनना होगा, तो गिन के पता चलेगा, कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 4, 12, इतने कितना हो गया, 12। अगला हम देखते हैं, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 5, 12, इसमें भी कितना है, 12 है। अगला में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12 हो गया, इसमें कितना है, 3, 2, 6, 3, 9, 9, 4, 13, इसमें कितना है, 13 है, तो डिफरेंट यही होगा, सब में कितना था, 12 था, इसमें कितना है, 13 है। अगला क्वेश्चन, एक अनुपस्थिति संख्या के साथ श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9.3 के बाद है 10.1, तो इसमें अंतर कितना का हो रहा है, 0.8 का अंतर है, फिर आगे में देख रहे हैं तो 0.8 का अंतर है, फिर आगे देख रहे हैं तो कितना, 0.8 का अंतर है, फिर आगे कितना आ जाएगा, 0.8 का अंतर, तो यानी कि 11.7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।